नेपाल के पोखरा में जो प्लेन क्रैश हुआ, अंजू खतीवड़ा उसकी को पायलट थी। रविवार का दिन उनके लिए बेहद खास होने वाला था, क्योंकि बतौर को पायलट ये उनकी आखिरी उड़ान थी और सेफ लैंडिंग के साथ अंजू कैप्टन बनने वाली थी, जिसके लिए वो सीनियर पायलट और ट्रेनर कमल केसी के साथ उड़ान पर गई थी। लेकिन खराब मौसम के चलते उनका सपना आग की लपटों के साथ जल गया। हादसे में अंजू की भी मौत हो गई। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो 16 साल पहले भी यति एयरलाइंस का एक प्लेन क्रैश हुआ था, जिसमें अंजू के पति दीपक पोखरेल की जान चली गई थी। दीपक उस प्लेन के को पायलट थे। ये हादसा 21 जून 2006 को हुआ था, जिसमें 6 पैसेंजर समेत 10 लोगों की जान चली गई थी।